नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। शास्त्री नगर थाने से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां दुकान में चोरी कर रहे एक युवक को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। वहीं इस मामले की जानकारी उन्होंने शास्त्री नगर थाने में दी, जिसके बाद जाँच करने आए सिपाही जी के बेटे के रूप में इस युवक की पहचान हुई है। तब से ये मामला काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, दरअसल वो समझिए। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां लोगों ने एक दुकान में चोरी कर रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद लोगों ने बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। ताजुब की बात यह है कि ये युवक उस सिपाही का बेटा है जो इस मामले की छानबीन करने वहां पहुंचे थे। इतनी फजीहत होने के बाद पिता ने अपने बेटे को भीड़ के सामने ही पीटना शुरू कर दिया और जल्द ही भीड़ से बचाकर वहां से बेटे को लेकर निकले। घटना के बारे में लोगों ने बताया कि शास्त्री नगर थाने के एक कपड़ा दुकान में कुछ दिन पहले एक युवक ने कैश काउंटर से पैसे चोरी किए थे। दुकानदार ने इस घटना की सीसीटीवी फुटेज को निकालकर सुरक्षित रख दिया था। साथ ही आसपास के दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर युवक की पहचान कर दोबारा युवक को दुकान में घुसने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच बुधवार की देर शाम वही युवक एक बार फिर दुकान में घुसकर कैश काउंटर से पैसे चोरी करने लगा। वहीं आसपास के दुकानदारों को इसकी भनक लग गई। दुकानदारों ने इस युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बीच युवक के पिता, जो एक पुलिसकर्मी हैं, घटना की सूचना मिलते ही वो खुद मौके पर पहुंचे। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी का खौफ दिखाते हुए उन्होंने अपने बेटे की भीड़ में जमकर पिटाई की और फिर उसे खुद सजा देने की बात कहकर अपने साथ ले गए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है, साथ ही कहा है कि क्या पुलिसकर्मी के लिए अलग कानून है। उन्होंने इस मामले को लेकर शास्त्री नगर थाना प्रभारी से भी इसकी शिकायत की है। तो बता दें आपको कि आखिरकार इस युवक की पहचान हो गई है और ये युवक जो है वो पुलिसकर्मी का बेटा है, जिसके बाद लोगों की ये मांग है कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन इस दौरान पिता जो हैं वो बेटे को लेकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उचित कार्रवाई करूंगा। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए विदेश जाचा नमस्कार।